अकबर एंड बीरबल। माँ, ये लोग कौन हैं और ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? ये शहंशाह के सिपाही हैं, जंगल के भीतर उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। शहंशाह जंगल में जानवरों से मिलने के लिए आ रहे हैं? नहीं, मिलने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए। मारने के लिए? लेकिन क्यों? ऐसे ही मस्ती के लिए। मस्ती? ये कैसी मस्ती है? ये आदमी लोग जानवरों जैसा सलूक क्यों करते हैं? वो खतरनाक हैं। उन्होंने बहुत से जंगल काटे हैं, मासूम जानवरों को मारा है। और आज वो फिर आ गए हैं। माँ, हमें जाकर सभी को सावधान कर देना चाहिए। हाँ, उन्हें सावधान करते हैं। चलो चलकर शहंशाह के आने की खबर दे दें। सावधान, शिकारी आ रहे हैं। भागो, अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ। शहंशाह और उनके आदमी तुम्हें मारने जंगल में पहुंच चुके हैं। भागो, भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन वो हमें क्यों मारने आते हैं? हमने तो कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने सही कहा, लेकिन ये बहस का समय नहीं है। अच्छा होगा कि हम अपनी जान बचाएं। ताज्जुब है, वाकई ताज्जुब की बात है कि हमें अभी तक एक भी जानवर नहीं मिला। लगता है सब जंगल के भीतर भाग चुके हैं हुजूर। क्या मतलब है तुम्हारा? शहंशाह, हमारे सैनिकों ने यहाँ के बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं ताकि आप आसानी से शिकार कर पाएं। इसीलिए सारे जानवर यहाँ से जा चुके हैं। उन्हें घने जंगलों में ही रहना पसंद है हुजूर। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे हमें जंगल के कितने भी भीतर जाना पड़े। यही मजा है जानवरों के शिकार का। बस आपके लिए मजा है हुजूर, लेकिन बेचारे जानवरों के लिए इस खूबसूरत दुनिया में जैसे आखिरी सांस। लगता है वहां बाघ हैं। होशियार रहो, इस दिशा में। चुपचाप। ए तुम दोनों, हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? हमें आपसे डर लगता है, लेकिन उन शिकारियों से ज्यादा डर लगता है जो आपको मारने आए हैं। भागो, अपनी जान बचाओ। भागो, भागो। वो बाघ भाग क्यों गए जबकि हमने तो कोई आवाज भी नहीं की? बताओ, तुम तो माहिर शिकारी हो। कोई उन्हें सतर्क कर रहा है। कौन? कौन हो सकता है वो? उल्लू ने। मैंने दो उल्लू देखे थे। उल्लू? जी हाँ मेरे आका, वही जानवर को सतर्क कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हमें कोई भी जानवर नहीं मिला। आप बेवजह परेशान मत होइए मेरे आका, मैं उन्हें जल्दी कैद कर लूंगा। भगवान का शुक्र है, शिकारी वापस जा रहे हैं।
वो फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन हम उन्हें अपने साथी जानवरों को नहीं मारने देंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि हम जानवरों को सतर्क कर रहे हैं, वो पहले हमें मारेंगे। अपने साथियों की जान बचाने के लिए मेरी जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। ये रहे मेरे आका, ये उल्लू ही मुखबीर हैं। ये इतनी जोर से फड़फड़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये दोनों मुजरिम हैं मेरे आका। इन्होंने जानवरों को भागने में मदद की और शहंशाह को शिकार से खाली हाथ लौटना पड़ा, और अभी अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अपनी जान के लिए नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारी जान के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इनका कहना है कि शहंशाह के राज्य का अंत होने वाला है। अंत क्यों? ध्यान से सुनिए हुजूरे वाला, इनका कहना है कि अगर पेड़ों को इसी तरह काटा गया तो बहुत जल्द पर्यावरण का विनाश हो जाएगा हुजूर। नदियों में बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ेगा। ऐसे विनाश के जिम्मेदार हम खुद होंगे, जिससे हमारा इस धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा। जंगल पक्षियों और जानवरों की अमानत है हुजूर। अगर पेड़ इसी रफ्तार से काटे गए तो उनके पास रहने को कोई जगह नहीं होगी, वो शहरों की तरफ दौड़ेंगे और कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। बच्चों पर भी हमले होंगे। हुजूरे वाला, फैसला आपको करना है, या तो मौज के लिए शिकार करें या राज्य का अंत देखें। बीरबल, तुम सिर्फ चालाक ही नहीं हो, गहरी समझ भी रखते हो। वापस चलो, आज से हमारा शिकार खेलने से कोई वास्ता नहीं। बेवजह मासूम जानवरों को मारना कोई अच्छी बात नहीं, और हमें अपने बहुमूल्य जंगलों की देखभाल भी करनी चाहिए। हमें उन्हें फिर से घना बनाना होगा ताकि सारे जानवर खुश और बेखौफ रह सकें। बीरबल, एक बात बताओ, क्या तुम वाकई उनकी भाषा जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हुजूर, कोई भी उनकी भाषा नहीं समझता। अगर समझते तो हम उनके साथ इतने बेरहम नहीं होते।